नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टेब्लाइज इन 2020-2021 इन 2020-21 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी। देखिए 2020-21 में जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है वाकना घाट में की जाएगी। ऑप्शन सी सही आंसर है। वाकना घाट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। देखिए ये स्थापना जो है वो किसकी सहायता से की जाएगी, तो ये स्थापना जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की सहायता से की जाएगी। ये स्थापना याद रखिएगा किसकी सहायता से की जाएगी। अब इसके लिए बजट कितना रखा गया है, देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 155 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया है, ये आप याद रखें। और देखो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने के लिए है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्यों एस्टेब्लाइज की जाएंगे। देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किए जाएंगे ताकि IT स्किल को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्किल होती हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उसके साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग को प्रमोट किया जा सके, रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। इसीलिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया जाएगा 2020-21 में वाकनाघाट, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्टू एंड शिड्डू आर स्पेशल डिसीज ऑफ। पोल्टू और शिड्डू जो है वो डिसीज है, पहले तो आप ये याद रखिए। तो ये स्पेशल डिसीज जो है वो कौन सी टाइप की, तो देखिए ये खसास की, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। खसास की स्पेशल डिसीज है पोल्टू और सिड्डू। अच्छा अब यहाँ से खसास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए। खसास के बीच में जो मैरिज की टाइप होती है वो मैरिज की टाइप इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली मैरिज की टाइप इनके बीच में होती है बिहा, जिसे बिहा कहते हैं, और दूसरी होती है प्रायनो, और तीसरी होती है गदर। तो ये इनके बीच में जो है वो क्या है, ये मैरिज की टाइप है। अच्छा यहाँ से आप ये भी याद रखिए कि खस जो थे वो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़े थे, और खसों का वर्णन जो है वो मनुस्मृति में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, और पुराणों में भी इनका वर्णन जो है वो मिलता है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप याद रखें खस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉस्को एंड वॉकर सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इन 1906। 1906 में निम्नलिखित ग्लेशियर में से किसका सर्वेक्षण पॉस्को और वॉकर द्वारा किया गया था। तो देखिए 1906 में जो था वो पॉस्को और वॉकर द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। ऑप्शन बी सोना पानी ग्लेशियर का, सोना पानी ग्लेशियर का सर्वेक्षण इन्होंने किया था। अच्छा अब यहाँ से आप क्या याद रखेंगे, यहाँ से आप याद रखिए कि इस ग्लेशियर का सर्वेक्षण दो बार किया जा चुका है। पहली बार तो 1906 में और दूसरी बार 1957 में। 1957 में जो था वो किसने इसका सर्वेक्षण किया था, देखिए 1957 में इसका सर्वेक्षण भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के कुरियन और मुंशी द्वारा किया गया था। तो ये भी आप याद रखिए कि कब कब इसका सर्वेक्षण हुआ, कितनी बार इसका सर्वेक्षण हुआ। इसके अलावा आप याद रखिए कि देखिए यहाँ पर जो है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर के बारे में याद रखिएगा कि बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर में जो था वो 1936 में जो था वो चंद्रा घाटी में भारी तबाही मचाई थी, और इसी के परिणाम स्वरूप जो था वो चंद्रा घाटी में जो चंद्रताल झील है उसका निर्माण हुआ था। और 1956 में जो था वो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर में जो था वो कुछ महिला पर्वतारोहियों के द्वारा जो था विजय प्राप्त की गई थी। तो ये दो ग्लेशियर हो गए, एक तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, एक हो गया सोनापानी ग्लेशियर, और कुछ दिन पहले मैंने आपको मिलांग ग्लेशियर के बारे में बताया था। तो देखिए मिलांग ग्लेशियर पर सर्वप्रथम 1939 में जो था राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्यों द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। कब प्राप्त की गई थी इसमें मुझे 1939 में। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी बनी रहती है, तो इन तीन ग्लेशियर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलम फक्की चक्की एंड शादी आर फोर टाइप ऑफ रिचुअल प्रिवेल्ड इन। पिलम फक्की छक्की शादी चार प्रकार की रस्में प्रचलित हैं, तो ये कहाँ पर प्रचलित हैं, किन लोगों के बीच में प्रचलित हैं, तो ये पांगी के लोगों के बीच प्रचलित हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखिए पांगी में जो है वो विवाह की चार प्रकार की रस्में हैं, ये मैरिज की रस्में हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ये मैरिज की रस्में हैं, तो ये रस्में पांगी में प्रचलित हैं। अच्छा बात हुई है इम्पॉर्टेंट मैरिज के टाइप्स की, तो देखिए काफ़ी टाइम से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर कंटिन्यूसली हम डिस्कस करेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएं। देखो खचास के बीच में प्रायनो, गदर, बिया, ये मैरिज की टाइप हैं। गद्दीस के बीच में बट्टा सट्टा, दानपुन, झिंडफुक,
झंझारा और घर जवांतरी हैं, पंगवाल्स के बीच में पिठचुक, डोगरी और टोपीलाना, ये विडो मैरिज है। स्वांगलास के बीच में तसुग तवाक्ची, ये डाइवोर्स का टाइप है। खुआ ब्याह, मांझी ब्याह और रुस्ताते ब्याह, ये मैरिज के टाइप हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप तो हो गए खसास के बीच में। इसके अलावा आप लाहौल और स्पीति में भी कुछ इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप हैं। तो लाहौल में तेवांगस्टन और मोती ब्याह जो है वो अरेंज मैरिज का टाइप है। क्वाची ब्याह अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची ब्याह और कुनमा ब्याह ब्यांगस्टन जो है ये अलॉटमेंट है, मतलब भागकर की जाने वाली शादी है। स्पीति में जो है वो कंदम शादी का टाइप है। कुप्पा चाचा और तसुद थवाकची जो है वो डाइवोर्स का टाइप है। तो ये आप याद रखिए स्पीति के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फर्स्ट मेंशन ऑफ गुर्जर फाउंड इन इंडियन लिटरेचर। गुर्जरों का उल्लेख सर्वप्रथम भारतीय साहित्य में कब हुआ था? देखिए इनको गुर्जर और गुज्जर भी कहा जाता है। तो देखिए इनका उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी 7th सेंचुरी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 7th सेंचुरी में इन लोगों का वर्णन जो था वो भारतीय साहित्य में हुआ था। अब इन लोगों के बारे में आप याद रखिए, देखिए गुज्जर जो है हिमाचल में ट्राइब एक पाई जाती है, तो ये हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम ये दोनों ट्राइब्स होती हैं। हिंदू गुज्जर जो है वो हिमाचल के मंडी, बिलासपुर, सिरमौर की पौंटा साहिब वैली में और कांगड़ा जिले में रहते हैं। और मुसलमान गुज्जर जो हैं हिमाचल में अस्थाई जीवन जी रहे हैं, मतलब तो ये घुमंतू टाइप में होते हैं, ये एक जगह नहीं रहते, तो अस्थाई जीवन ये जीते हैं। तो ये आप याद रखिए हिंदू और मुस्लिम गुज्जरों के बारे में। इनका उल्लेख जो है वो भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम कब हुआ था ये भी याद रखिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह से कंटेंट आपको मिलता रहे आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ फेमस फाग फेस्टिवल ऑफ रामपुर स्टार्ट। रामपुर का प्रसिद्ध फाग मेला जो है वो किस वर्ष लगता है? किस वर्ष नहीं होगा यहाँ पर, किस महीना में होगा, मंथ यहाँ पर होगा, तो कौन से महीने में ये लगता है? देखिए रामपुर का जो फाग फेस्टिवल है वो लगता है मार्च के महीने में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी कुछ दिन पहले ही फाग फेस्टिवल जो था वो स्टार्ट हुआ था। ये आप याद रखिए कि कब ये लगता है फाग का मेला। अब देखो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, एक रामपुर में फाग मेला हो गया, फाग के अलावा भी रामपुर में एक और मेला है, वो कौन सा है? वो है लवी मेला। लवी मेला कब लगता है? देखिए लवी मेला जो है वो लगता है नवंबर के महीने में। लवी मेला नवंबर के महीने में लगता है, तो ये दो याद रखिए। और लवी मेला 3 दिनों तक चलता है। तो ये तो हो गया रामपुर के फेयर और फेस्टिवल के बारे में। हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल हैं जिनको एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। शिवरात्रि मेला जो है वो फाल्गुन के महीने में लगता है। सैर मेला 1st ऑफ अजौस को शुरू होता है। मणिमहेश यात्रा सितंबर महीने में शुरू होती है और मणिमहेश यात्रा राधा अष्टमी को समाप्त हो जाती है। फुलैच फेस्टिवल बाधों और असौस के महीने में होता है। रद्राचा मेला जुलाई और अगस्त के महीने में होता है। चैरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में होता है। छतरारी यात्रा अक्टूबर के महीने में होती है। मिंजर मेला 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को शुरू होकर 3rd संडे ऑफ सावन मंथ को समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को शुरू होता है और 1st ऑफ बैशाख को ये समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है और दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। भरलाज फेस्टिवल सोलन और बिलासपुर में दिवाली के 2 दिन बाद लगते हैं। पत्थर का खेल हलोग धामी में लगता है, दिवाली के 2 दिन बाद ये लगता है। विशु बेशुवा बैशाखी फेस्टिवल जो है ज्येष्ठ के महीने में लगते हैं। नावली फेयर मंडी में लगता है। काहिका या यात्रा जो है वो कुल्लू में होती है। सोवी यात्रा श्री नैना देवी से संबंध रखती है। घंटाल फेस्टिवल लाहौल में होता है और जून के महीने में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मोहन ऑफ बिलासपुर हैंग। बिलासपुर के मोहन को किस वर्ष फांसी दी गई थी? देखिए बिलासपुर के मोहन को 1927 में फांसी दी गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ से आपको पता है कि मोहना बिलासपुर का एक सॉन्ग है, तो मोहना सॉन्ग बिलासपुर से संबंध रखता है, उसी से ये संबंधित है मोहन। देखिए मोहन इस एक स्टोरी है, इसको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर ये सॉन्ग आपको मिल जाएगा और आपकी बुक्स में भी ये स्टोरी दी गई है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि कब हैंग किया गया था, तो 1927 में हैंग किया गया था। अब यहाँ से एक बार हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में होता 1 जुलाई 1954 को। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। बिलासपुर का प्राचीन नाम है कहलूर। वीरचंद ने बिलासपुर की स्थापना की थी और बिलासपुर की स्थापना जो थी, कहलूर की स्थापना वीरचंद ने की थी और बिलासपुर की स्थापना दीपचंद ने 1654 में की थी।
लास्ट राजा जो थे बिलासपुर के वो थे आनंद चंद। बिलासपुर के राजा आनंद चंद के द्वारा बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब लिखी गई थी। गुरु का लाहौर बिलासपुर में है, टैंक रिबालसर, टैंक जमदार, झंझारदार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, छातीपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट, कोट कहलूर फोर्ट, श्रीयुण फोर्ट बिलासपुर में है, जंगल थलेरा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। टी ग्रामन वैली ने बिलासपुर की लैंग्वेज को जो था वो 6 पार्ट में डिवाइड किया था। मोहन ऑफ बिलासपुर जो था, बिलासपुर के मोहन को 1927 में हैंग कर दिया गया था और भाखड़ा डैम 1948 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 1963 में कंप्लीट हो गई। तो ये बेसिक क्वेश्चन बिलासपुर से रिलेटेड आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रिवर फ्लड इन सिरमौर डिड किंग उगरचंद एंड अदर गेट स्वेप्ट अवे। सिरमौर में किस नदी में बाढ़ आने के कारण राजा उगरचंद और अन्य लोग बह गए थे। तो देखिए, सिरमौर में गिरी नदी में बाढ़ आई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। गिरी नदी में बाढ़ आने के कारण जो था वो सिरमौर में, सिरमौर के राजा उगरचंद और अन्य लोग जो थे वो बाढ़ में बह गए थे। ये जो था ये इंसिडेंट 195 AD में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आप याद रखिए। इसका कुछ ज़्यादा मेंशन आपको मिलेगा नहीं, परंतु ये बेसिक सा क्वेश्चन है एक। इस क्वेश्चन के बारे में आप याद रखिएगा कि कौन सी नदी में बाढ़ आई थी और कब वहाँ पर लोग बहे थे, ये आप याद रखिए। अब यहाँ से आप क्या याद रखेंगे, देखो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में तो हम डिस्कस करते रहते हैं, परंतु 1100 ईस्वी में कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे अलग अलग रियासतों में, उनके बारे में आपको एक बार पता होना चाहिए। देखिए 1100 में जो था वो जसपाल द्वारा कुटलहर राज्य की स्थापना की गई थी। कीरत सिंह ने जो था वो सतलुज की ऊपरी घाटी में कुमारसेन ठकुराइन की स्थापना की थी और हिंडूर की स्थापना जो थी वो भी 1100 में ही की गई थी राजा अजय चंद के द्वारा। और उसके बाद 1170 ईस्वी में क्या हुआ उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो था वो त्रिगर्त के राजा पद्मचंद के भाई पर्वचंद ने जो था वो जसवां रियासत की स्थापना जो थी वो की थी। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का जो था वो अंतिम आक्रमण जो था वो हुआ था भारत पर। और उसके बाद 1195 ईस्वी में जो था वो सिरमौर में, सिरमौर की गिरी नदी में बाढ़ आई थी जहाँ पर राजा उगरचंद और अन्य लोग जो थे वो बह गए थे। और इस बाढ़ में आने के बाद जो था वो जैसलमेर से आए शोभा का जो था वो सिरमौर पर अधिकार हो गया था। और उग्रचंद के 3 बेटे थे, पहले पुत्र करणचंद ने जो था वो जुब्बल रियासत की स्थापना की थी, दूसरे पुत्र मूलचंद ने सारी ठकुराइन की स्थापना की थी और तीसरे पुत्र दुनीचंद ने रावीनगढ़ ठकुराइन की स्थापना की थी। ये सब 1195 ईस्वी में ही हुआ था। ये बेसिक्स आप याद रखिएगा, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा अलग आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किए उन क्वेश्चंस को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही मेल नहीं है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दी गई है। पहली है कि ललित काव्यम जो था वो कन्हैयालाल शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। दूसरी है कि बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह और रामचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। तीसरी है कि हिमाचल प्रदेश परिचय लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई थी। और चौथा है कि इंदु काव्यम जो था वो परमानंद शास्त्री ने लिखी। देखिए अगर आप इनको देखेंगे ऑप्शंस को, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ये बिल्कुल गलत मैच किया गया है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश परिचय जो था वो किसने लिखी थी? हिमाचल प्रदेश परिचय जो था वो देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। देवराज शर्मा जो थे वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घुमारमी से संबंध रखते थे। अब यहाँ पर आपको ललित काव्यम एक संस्कृत का ग्रंथ मानिए आप, ग्रंथ है या किताब है, तो ये ललित काव्यम जो था कन्हैयालाल शर्मा ने लिखी थी। और इसके बाद आप याद रखिए इंदु काव्यम जो था वो परमानंद शास्त्री ने लिखी थी। ये परमानंद शास्त्री ने लिखी थी, ये भी एक संस्कृत का ही काव्यम है। और उसके बाद बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह और रामचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। और हिमाचल प्रदेश परिचय जो था वो देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो ये बेसिक सा है। इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तारीख़ रियासत सिरमौर रणजौर सिंह ने लिखी थी। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैट्रियाड आनंद चंद ने लिखी थी। कुलुत देश की कहानी लालचंद प्रार्थी ने लिखी थी। किन्नर प्रदेश हिमालय परिचय राहुल संक्रित्या ने लिखी थी। हिमालयन आर्ट जे सी फ्रेंक ने लिखी थी। प्राचीन हिमाचल LP पांडे ने लिखी थी। अबॉर्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन ने लिखी थी। शिमला पास्ट प्रेजेंट EJ भक्त ने लिखी थी। पहाड़ी चित्रकला KL वैद्या ने लिखी थी। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ बेसिक सी किताबें, इनको हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस किए, तो इनको आप याद रखिए।
इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो है, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रिसेंटली सेलिब्रेट 100 ईयर ऑफ इट्स इंसेप्शन, इट वाज फाउंडेड इन। कांगड़ा केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक ने अभी हाल ही में 100 वर्ष पूरे किए हैं, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अलावा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर काइंडली आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।